हिंदुस्तान का अजूबा राज झारखंड में जेब्रा क्रॉसिंग के पहले एक पोल लगा दिया गया है। जानते हैं का है? काहे कि पोलवा जब रहेगा तबे ना लोग डर के मारे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं क्रॉस करेगा। अच्छा रे बबुआ, बताओ तो कौन से क्लास में पढ़ते हो? फोर। चौथा क्लास में? फोर। अच्छा ये बताओ कि रोड के बीच में पोल है, सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। अगर इस प्रकार का जो है पोल बीच में खड़ा है तो एक दिन जो है ना अपने स्कूल के सारे बच्चों का जो है ना परेड जो है यहाँ पे करा दीजिए। अच्छा ये जो जो रोड के बीच में पोल है वो सही जगह पे है कि गलत जगह? गलत जगह पे है। तुम लोगों को पता है? मोबाइल लेके आओ, फोटो खींचो और ट्वीट करो और मुख्यमंत्री से टैग करो, इतना तो पता है तुम लोगों को। तो इस प्रकार के इंजीनियर का रेलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो रेल दे हम? नहीं रेल। अच्छा तुम बड़ा होके रेलोगे कि नहीं रेलोगे ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर को? हाँ। रेलोगे? तो हम नहीं रेले, तुम रेलोगे। चलो दोनों मिलके रेलते हैं। मंदिर के विकास के लिए धार्मिक सरकार ने एक जबरदस्त फोर लेन बनाने का प्रयास किया रामगढ़ से रजरप्पा, लेकिन कुछ अधर्मी लोग जो है वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किए कि रोडे के बीच में पोल लगा दिए। देख सकते हैं आप ध्यान से, जब ये फोर लेन रोड बन रहा था उसी समय पोल को हटा देना चाहिए था। और ध्यान से देखिए, फोर लेन रोड के बीच में पोल है और पोल के ऊपर जो है 11,000 कतार है। अगर कोई स्कूल बस टकरा जाए, बगल में ही डीएवी स्कूल है, स्कूल बस टकरा जाए तो टक्कर से बाद में मौत होगा, इतरवा से पहले मौत हो जाएगा। उसके अलावा ध्यान से देखिए, वहाँ पे भी दूगो पोल है और वो दोनों पोल जो है सही जगह पे है। तो जहाँ पे सही जगह पे पोल है वहाँ पे तार नहीं है, और जहाँ पे गलत जगह पे पोल है वहाँ पे तार लगा दिया गया है। कितना साल पहले ये फोर लेन बना है? दो साल पहले। दो साल पहले बन गया है? हाँ जी बना है, और बिजली विभाग की लापरवाही है कि। अच्छा इनसे पूछ लेते हैं। ओ भैया रुक जाइए एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी। अच्छा ये बताइए कि फोर लेन रोड के बीच में जो पोल है वो सही जगह पे है कि गलत जगह पे है? ये गलत जगह पर। गलत जगह पे है, कभी भी कोई भी गाड़ी टकरा सकता है, सही है कि नहीं है? एकदम एकदम गलत जगह पे है ना बाबू? अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे गार्जियन लोग आए हैं, आप लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं स्कूल? ले जाते हैं ना? ले जाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ बाबू, ये रोड पे जो पोल है वो सही जगह पे है कि गलत जगह पे है? गलत जगह पे। गलत जगह पे है कि सही जगह पे है? गलत जगह पे है। अच्छा गलत जगह पे है कि सही जगह पे है? बताओ। गलत जगह में। गलत जगह पे है। अच्छा ये जो जो रोड के बीच में पोल है वो सही जगह पे है कि गलत जगह? गलत जगह पे है। तुम लोगों को पता है? हाँ। अच्छा तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई करके ईमानदार इंजीनियर बनोगे कि बेईमान? ईमानदार। तो ऐसा काम नहीं ना करोगे? नहीं। तो ऐसा काम करने वाले इंजीनियर का रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। रेल दे हम? यस। चलो ठीक है, इस विभाग के जितने भी इंजीनियर हैं जरा सोचिए, शर्म कीजिए आप लोग, आज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। लोग कहते हैं कि हम इंजीनियर के खिलाफ क्यों रहते हैं, आप जब बीच रोड पे जो है चौराहे पे जो है फोर लेन के बीच में जब पोल लगा देंगे तो रिलाई नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इंजीनियर अमर, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। हाँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ। लेकिन बताइए, इन लोग का प्रोपोगेंडा ये होता है कि बार बार तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, पैसा धनाट के कमाओ और बार बार खाली भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करो। हाँ। आपको कई जगह मिलेगा कि सुंदरीकरण कर गोल चक्कर बना देगा, फिर फ्लाईओवर बनाएगा। हाँ। उसी प्रकार से ये है, इसको तो लगा दिया। उस समय आप ब्लूप्रिंट तैयार नहीं की, जब काम कर रहे थे ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए था कि कैसे काम करना है। प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है ना कोई काम का, इसका आप रूपरेखा नहीं तैयार किया, यहाँ से वहाँ जाने कितना रुपया आपको लग जाता है, अगर अंडरग्राउंड ही तार को पार कर देते। आर्मर का केबल आता है जो मोटा वाला केबल होता है, उस केबल से जो है ना एकदम जो है अंडरग्राउंड जो है ये पार हो जाता, लेकिन उसमें 10,000 रुपया का खर्चा आता, और अब जो है 10,00,000 रुपया का खर्चा आएगा। तो 10,00,000 रुपया किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा। तो किसका पैसा बर्बाद हो रहा है, सरकार की पब्लिक? पब्लिक का पैसा बर्बाद है। का किसका पैसा? टैक्स का पैसा है पब्लिक। किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? पब्लिक का पैसा, और जो है पब्लिक का पैसा को लूटा जा रहा है यहाँ के जो है ठेकेदारों के द्वारा, विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसको जो है सरकार को जो है, सरकार का ये जो है जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना है कि सरकार इसके माध्यम से भ्रष्टाचार जनता को दिखा रही है कि ये देखिए ये सरकार का भ्रष्टाचार। जनता भी कितनी बड़ी अंधी है कि यहाँ के लोगों को कम से कम आवाज तो उठाना चाहिए था ना। लोग जो है बर्दाश्त करना सीख गए हैं, लोग जो है लड़ाई लड़ना भूल गए हैं। तो हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो समस्या है, हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लोगों को लड़ना सीखना होगा। अच्छा रे बबुआ, बताओ तो कौन से क्लास में पढ़ते हो?
फोर चौथा क्लास में फोर, फोर। अच्छा ये बताओ कि रोड के बीच में पोल है सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, बड़ा होके क्या बनोगे? इंजीनियर। अच्छा इंजीनियर, ईमानदार वाला कि बेईमान वाला? ईमानदार वाला। अच्छा बेईमान इंजीनियर का रेला ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो रेल दे हम। हाँ। चलिए ठीक है, बबुआवा के साथ हम मिल के जो है इस प्रकार का काम करने वाले इंजीनियर को रेल रहे। थोड़ा सा साइड हट जाइए लोग और दिखाइए लोग, थोड़ा सा पीछे से भी हट जाइए लोग। एकदम चौराहा पे है और जेब्रा क्रॉसिंग के पहले है। हिंदुस्तान का अजूबा राज झारखंड में जेब्रा क्रॉसिंग के पहले एक पोल लगा दिया गया है। जानते हैं काहे? काहे कि पोलवा जब रहेगा तब ना लोग डर के मारे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं क्रॉस करेगा। इधर से तो कोई गाड़ी जाएगा नहीं और अगर जाएगा तो ठुक जाएगा। तो इस प्रकार का अतुल आविष्कार जो है ना खाली आपको बिहार और झारखंड में ही देखने को मिलेगा और वो भ्रष्टाचार के दम पे देखने को मिलता है। देखिए हम पकड़ने जा रहे हैं इनको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता देवी। अच्छा ये बताइए जो पोल है रोड के बीच में सही है कि गलत है? नहीं गलत है, इसलिए यहाँ पर तो कुछ देना चाहिए। अच्छा बाबू रोड के बीच में पोल है सही है कि गलत है? हमको नहीं पता है। अरे देखिए इसको बताइए इसको कि सही है कि गलत है। अच्छा पूछो मम्मी से सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है, हमको नहीं पता है। चलो इसको नहीं पता है अभी। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? शमी मोहम्मद। अच्छा ये बताइए रोड के बीच में पोल है गलत है कि सही है? गलत है। चलिए ठीक है। अच्छा कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक चाचा है, क्या नाम हुआ आपका? विजय शर्मा। अच्छा ये बताइए रोड के बीच में जो पोल है वो सही है कि गलत है? गलत है, बहुत गलत है सर। क्या? बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बहुत गलत है, बहुत। इसको हटा देना चाहिए, आने रहना चाहिए। देखिए यहाँ रोड का कर दिया है, देखिए यहाँ का कर दिया, देखिए क्या हो गया, देखिए क्या कर दिया है। चूना प्लास्टर वाला रोड है, देखिए देखिए क्या हो गया है। देखिए सर कितना गंदा है, अगर कोई गिर गया तो क्या होगा? गिर गया तो क्या होगा? बहुत गिरेगा, बहुत यही गिरा था, यही देख लिया था। उस दिन गिरा है, उस दिन आदमी गिरा है। देखिए हम गिर गए थे यही बाइक से, यही गिर गए थे। अंधार में अचानक पानी भरा हुआ था, गाया ट्रक तोड़ के चल गए, यही गिर गए। कौन से क्लास में पढ़ते हो? ट्वेल्थ में। ईमानदारी से पढ़ाई करते हो कि बेईमानी? ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। लोंडिया बजे उंडिया बजे ईमानदार अधिकारी बनोगे ना तुम लोग? हाँ हाँ एकदम ईमानदार अधिकारी। सर पे हाथ रख के क्रिया खाओ की ईमानदार अधिकारी बने? सर पे रख के देखिए, चलवा बनेगा ईमानदार। सही बात है, सीधे बोल रहा है कि विद्या क्रिया खा रहे हैं हम, ईमानदार बनेंगे। सही है ना? सही। अच्छा इस प्रकार का इंजीनियर का रेलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम। अच्छा इस प्रकार का गड़बड़ रोड बनाने वाले का रेलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना? अच्छा तो तुम लोग काहे नहीं रेलते हो? तुम लोग भी स्कूल जाते हो? मोबाइल किसको धर के? अरे मोबाइल है ना तुम्हारे पास? किसको धर के रेले? देखिए पूछ रहा है, मोबाइल है ना? तो मोबाइल लेके आओ, फोटो खींचो और ट्वीट करो और मुख्यमंत्री से टैग करो। इतना तो पता है तुम लोगों को, 12वां क्लास में पढ़ते हो तुम लोग, सही है कि नहीं है? सीनियर हो ना तुम लोग। तो अगर एक दिन स्कूल के सारे बच्चे जो है ट्वीट कर देंगे तो इस प्रकार का गड़बड़ी नहीं होगा, सही है कि नहीं है? और स्कूल के शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ, स्कूल के संचालकों से भी कहना चाहता हूँ, पढ़ाई के अलावा सामाजिक विज्ञान का भी ज्ञान जो है बच्चों को दिया कीजिए, ताकि जो है ये बच्चे जो है बड़े होके जो है देश के लिए कुछ अच्छा करें। तो स्कूल के टीचर अगर इस प्रकार का जो है पोल बीच में खड़ा है तो एक दिन जो है ना अपने स्कूल के सारे बच्चों का जो है ना परेड जो है यहाँ पे करा दीजिए। कौन से स्कूल में पढ़ती हो बाबू? डीएवी पब्लिक स्कूल। अच्छा रोज जाती हो स्कूल? यस। ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तुम लोग? यस। ईमानदारी से पढ़ाई करते हो? हाँ करते हैं। अब बड़ा होके ईमानदार अधिकारी बनोगे कि बेईमान? ईमानदार। सब लोग ईमानदार बनेगा? हाँ ईमानदार। अच्छा ये बताओ कि फोर लेन रोड के बीच में जो पोलवा है वो सही जगह पे है कि गलत जगह पे है? गलत जगह पे। अच्छा तुम लोगों को पता है गलत जगह पे है? हाँ। जो इंजीनियर लगाया था उसको नहीं पता? पता नहीं। अच्छा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इंजीनियर को? होना चाहिए। अच्छा अगर पोल पे कोई बस वस टकरा जाए स्कूल बस तब क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं रहना, इसलिए यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। जरा सोचिए स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, कौन से क्लास में पढ़ती हो? सिक्स। छठा क्लास में पढ़ने वाली बच्चिया सबको पता है कि पोलवा गलत जगह पे है, तो बड़ा बड़ा पढ़ाई करके जो इंजीनियर साहब हैं उनको नहीं पता है कि पोलवा गलत जगह पे है। कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? थ्री। तीसरा क्लास में।
अच्छा ये रोड के बीच में जो पुलवा खड़ा है वो गलत तरीके से है कि सही तरीके से? गलत। गलत है ना, तो इस प्रकार के इंजीनियर का रेलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो रेल दे हम नहीं रेल अच्छा तुम बड़ा होके रेलोगे कि नहीं रेलोगे ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर को? हाँ। रेलोगे? तो हम नहीं रेले हैं, तुम रेलोगे। चलो दोनों मिलके रेलते हैं, सही है कि नहीं है? सही है। ध्यान से देखिए, कमाल का चौराहा यहाँ पे बनाया गया है, समझ जाइए तो हेलीपैड भी बना दिया गया है यहाँ पे, और चौराहे के बगल में फोर लेन के ऊपर जो है 11,000 तार वाला पोल है, और वहाँ पे लिखा भी गया है डेंजर। जरा सोचिए, उस जल्दी से जल्दी उस पोल को वहाँ से हटाया जाए, और अगर कहीं भी सिस्टम खराब है तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा रिलाई कीजिए, सही है कि नहीं है? सही है। और तब जाके जो है हमारा राज्य, हमारा देश जो है वो आगे जाएगा। बाकी इस प्रकार का अद्भुत काम करने वाले इंजीनियर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अद्भुत तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिरी में मैं बता देना चाहता हूं कि अगर रोड के साथ इसको हटा दिया जाता तो 10,000 रुपया का खर्च आता, और अब हटाया जाएगा तो 10,00,000 रुपया का खर्च आएगा, और ये जनता के पैसे का ही दुरुपयोग होता है। जय हिंद।